वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल कार मेनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं R15S मॉडल। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके बेसिक लुक्स से, कैसी दिखती है बाइक। तो कुछ इस तरीके से दिखती है बाइक। बैक प्रोफाइल दिखाते हैं बाइक का आपको, पीछे से बाइक कैसी दिखती है। पीछे से काफ़ी अच्छी दिखती है बाइक। ये साइड प्रोफाइल बाइक का, साइड से कुछ इस प्रकार दिखती है। आज हम इस वीडियो में R15S के कुछ हिट्स एंड मिसेस के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा एक रिव्यू टाइप बनाएंगे और माइलेज के बारे में भी बात करेंगे, प्लस इसके जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। यह बाइक एक साल पुरानी है, तो एक साल में इसमें क्या क्या खर्चा आया है, कितना इसने एवरेज दिया है, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरीके से दिखती है R15S की चाबी, देख सकते हैं आप। तो पहले शुरुआत करते हैं बाइक के हिट से, जो कि इसमें सबसे अच्छा दिया गया है, तो वो है इसका लुक। जो सबसे ज़्यादा इस गाड़ी को बिकने लायक बनाता है वो इसके लुक्स ही हैं दोस्तों। लुक्स की वजह से ही गाड़ी इतना बिकती है। प्लस दूसरी बात करें तो इसके ब्रेक्स, दोस्तों ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट और रियर में दोनों में इसमें डिस्क ब्रेक मिलते हैं। हालांकि ABS नहीं मिलता है, लेकिन इसकी जो बाइट फोर्स है वो काफ़ी अच्छी है। तो दूसरी चीज़ अगर दोस्तों देखते हैं तो दूसरी चीज़ है बैलेंस और कंफर्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वर्जन 1 का ही एक अपडेटेड वर्जन है जिसमें फुल लेंथ सीट है, तो ये कंफर्ट के हिसाब से बहुत बढ़िया है, जो कि वर्जन 2 में इतना बढ़िया कंफर्ट नहीं है। तो बैलेंस और कंफर्ट के हिसाब से इसको 10 out of 8 नंबर मिलेंगे, क्योंकि सस्पेंशन एक ही होने के कारण पीछे वाली सीट पर बैठने वाले इंसान को हल्के से झटके महसूस होते हैं बम्प्स पे। तो आइए दोस्तों, अब आपको चाबी लगा के दिखाते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो कुछ 5,121 किलोमीटर बाइक चली है। और अब इसके मिसेस की बात करें और तो सबसे मेन जो इसका मिस है वो है इसकी हेडलाइट्स। दो हेडलाइट के होने के बावजूद भी इस गाड़ी में इतना हेडलाइट फोकस नहीं है कि आप हाईवे पे इसको 60 से ऊपर 70 से ऊपर आप इसको भगा सकें, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत ही कम विजन दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि लाइट्स में इतना अपग्रेड नहीं है। जो इससे वर्जन 3 आया है उसमें जो LED लाइट प्रोवाइड करी है कंपनी ने, वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छी हैं। दूसरी चीज़ अगर सेकंड हम इसके मिसेस के बारे में बात करें तो सेकंड चीज़ है एक ABS, जो इतनी महंगी बाइक होने के बावजूद 1 lakh से ऊपर कॉस्ट करती है ये बाइक, उसके बावजूद भी इस बाइक में ABS नहीं दिया जाता, जो कि एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है। इस कॉस्ट की बाइक में ABS होना बहुत ही ज़रूरी है, जो और सुजुकी वगैरह दे रहे हैं, तो यामाहा को भी ये चीज़ देनी चाहिए। और लास्ट की बात करी जाए तो यहाँ पर रियर में आपको जो गार्ड मिलता था, जो वर्जन 2 में आता है, जो यहाँ पर आपको मिलता है जिससे कीचड़ उचड़ अंदर नहीं जाती है, वो भी यहाँ पर नहीं दिया गया है, जिससे अंदर आप देख सकते हैं बहुत ही गंदा हो जाता है, बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा इसका नहीं कह सकते हैं, छोटा सा मिस आउट है, जो कि कंपनी को इसमें भी देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स तो दिए गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन लगाने के लिए गार्ड नहीं दिया गया है। बाकी एवरेज की बात करें दोस्तों तो एवरेज काफ़ी अच्छा देती है बाइक। स्पोर्ट्स बाइक होने के बावजूद भी 40-45 का एवरेज आराम से आपको मिल जाता है इससे, क्योंकि मैं इसको हाईवे प्ले प्लस सिटी में चलाता हूँ, तो उस हिसाब से मेरे को 40-45 दे देती है। बाकी आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप बाइक चलाते हैं उस हिसाब से, लेकिन 30 से कितना भी आप रूडली चला लें, 30 से कम एवरेज आपको नहीं मिलता है, उससे ऊपर ही एवरेज रहता है हमेशा बाइक का। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट अगर हम देखें तो एक नॉर्मल फ्री सर्विस में आपको खर्चा आता है सिर्फ और सिर्फ इंजन ऑयल का, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा डलाते हैं।
एक फ्री सर्विस में सिर्फ आपको लेबर चार्ज फ्री होता है, बाकी सारे कॉस्ट आपको फिल्टर, ऑयल फिल्टर और ऑयल के पैसे आपको देने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी देखा जाए तो कम ही है स्पोर्ट्स बाइक के इतने बढ़िया लुक्स के साथ। अगर आप कंपेयर करें प्राइस को, तो प्राइस मिनिमम ऐसे ही 600 से 800 रुपए आपके खर्च होते हैं फ्री सर्विस में। और पेड सर्विस की बात करें तो पेड सर्विस में अप्रॉक्स आपके 1100 से 1200 रुपए खर्च हो जाते हैं एक सर्विस में। और वैसे मैंने एक साल से आपको यूज़ कर रहा हूँ बाइक को, तो ऐसा कोई मेजर इसमें इशू हुआ नहीं है कि आपको किसी पार्ट्स को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़े। सिर्फ और सिर्फ आपको मेजर खाली ऑयल फिल्टर और ऑयल चेंज करना पड़ता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है बाइक में कि लोग कहते हैं कि बहुत खर्चा है स्पोर्ट्स बाइक का। तो ये बाइक 150 सीसी की होने के बावजूद इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देती है और आपको बिल्कुल भी मेंटेनेंस फ्री आप कह सकते हैं बाइक को। अब गाड़ी के ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं, तो ऑन रोड प्राइस गाड़ी का 1,35,000 है। तो एक कंप्लीट 1,35,000 ऑन रोड पड़ती है, और 1,35,000 में एक ऐसा पैकेज आपको मिलता है जिससे आप फुली सेटिस्फाइड रहते हैं, और आप इसको कंप्लीट 15 साल आपको इससे यूज़ करें अच्छे से, तो आपको बिल्कुल भी लो मेंटेनेंस पे रहेगी और कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों मेरी राय यही है कि आप यामा R15 को परचेज़ करिए और अच्छे से चलाइए और हेलमेट पहनना मत भूलिए। तो थैंक यू दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।